नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह एंड कर दिया था उस चैप्टर को। आज की क्लास में हम अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले पूरे उस चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे ना कहीं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ नाम आएंगे। मतलब आज की क्लास में हम फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर के बारे में जब भी डिस्कस होगा तो उसके पार्ट के बारे में डिस्कस होगा। तो पार्ट आपको पता होना चाहिए। बोलो, इस तरह में पता तो है लेकिन अगर पूछ लिया जाए टेपल पेरियांथ ये सारे होते क्या है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता पूरे चैप्टर में आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ पार्ट ऑफ फ्लावर के ऊपर लाया हूं। तो ध्यान से देखना, देखो इतना सुंदरता आपको नहीं देखना, जो पार्ट है उस फ्लावर के उसे देखते। सबसे पहले फ्लावर जुड़ा किससे रहता है? एक स्टेम पे तो होता है, फ्लावर तने पे तो लगा रहता है, तो स्टेम से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है फ्लावर का, जो सबसे नीचा स्टॉक वाला पार्ट है, उसका नाम होता है पेडिकल। क्या नाम होता है? पेडिकल। उसके अलावा उसमें थोड़े बहुत कांटे होते हैं, तो कांटे को थोड़ियां हुक बोल देते हैं। उसके बाद एक बेस सा बना होता है जिसके ऊपर जितने फ्लावर जितने भी पत्ते और स्टैमन जो भी निकल रहा है वो सारा बेस से निकलता है, ओरिजिनेट होता है। तो उस बेस का नाम होता है थैलेमस। क्या नाम होता है इस बेस का? थैलेमस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? कुछ पत्तियां होती है साइड में नहीं, तो जो पत्तियों का नाम होता है, ये जो पत्तियां हरी हरी सी दिख रही है इन पत्तियों को कहते हैं सेपल या कैलिक्स। अब याद रखने वाली बात क्या है कि जब पत्तियां एक तो होती नहीं, जब आप फ्लावर देखोगे तो फ्लावर के चारों तरफ बहुत सारी पत्तियां होती है, तो जब एक पत्ती को बोलना हो कि ये पत्ती, तो इसे बोलेंगे हम सेपल। और जब सारी को एक साथ बोलना हो तो हम सेपल्स ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। सही। तो सेपल क्या है? यूनिट है। और कैलिक्स क्या है? सबको मिला के एक बार में हम क्या बोल देते हैं? कैलिक्स। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर उड़ते जाते हैं तो आपको ऐसे पार्ट दिखते होंगे, अलग अलग कलर में दिख जाते होंगे। ठीक है, फ्लावर के जो ऊपर ऐसे पार्ट लहरा रहे होते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को, ये जो पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को, ये पत्तियों की तरह पार्ट होता है जो ऊपर होता है रंग बिरंगा सा, जैसे कई फ्लावर मैक्सिमम में रेड कलर का होता है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम होता है, इस पार्ट का जो स्पेशल नाम बता रखा है, पेटल या कोरोला। अब यहां भी वही कहानी है, पेटल या कोरोला। पेटल क्या है? जब मैं सिर्फ एक ऐसे ये पत्ती सी गई हुई है, जब ऊपर जो पत्ती गई है मॉडिफाइड हो जाती है पत्तियां, तो वो अलग अलग कलर की होती है। तो जो पत्ती गई हुई है एक ऊपर सी, तो इसको क्या बोला हमने? एक को बोला तो पेटल, और सबको इकट्ठा बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। ठीक है, एक को हम पेटल बोलेंगे, सबको हम क्या बोलेंगे? कोरोला। ठीक है, आप देखो, आप कहीं कहीं फ्लावर में देखोगे तो पता क्या पाओगे? ये जो कोरोला पेटल है और ये जो सेपल है, ये आपस में फ्यूज हो गए होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे ये मिक्स हो रखा है, तो मैंने स्पेशल पार्ट करके दिखाया, तो ये क्या है? सेपल या कैलिक्स बोल देंगे इसे, और इसे क्या बोलेंगे? पेटल या कोरोला। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो प्लस का निशान दिखा दिया, यानी फ्यूज हो गए है, तो इसका एक नया नाम होता है पेरियांथ। पेरियांथ क्या है? जब फ्यूज हो जाए, तो आप किसी कई फ्लावर में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे फ्यूज मिले, तो उन्हें इकट्ठा क्या कह दिया? पेरियांथ। और अगर एक को ही बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? टेपल। पेरियांथ की यूनिट क्या है? टेपल। आई होप आपको पेरियांथ और टेपल का मतलब समझ में आया होगा। उसके अलावा ऊपर आ जाते हैं तो हम एक मेल पार्ट को देखते हैं। ये कौन सा होता है? मेल पार्ट होता है। इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ये डंडी सी, ये जो डंडी सी जा रही है, मिट्टी थोड़ी सी बनाता हूं वापस, क्या ये जो डंडी सी जा रही है, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्या काम होता है इनका? ये काम मैं अगली क्लासेस में आराम से पढ़ाऊंगा आपको, डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जानो उन स्ट्रक्चर इन पार्ट का नाम क्या है। इस पार्ट का नाम क्या है? एंथर। ठीक है, और जब इसे कंप्लीटली बोला जाएगा तो ये सारा क्या है? मेल पार्ट है। मेल पार्ट मतलब पोलन ग्रेन को बियर करते हैं, आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट का नाम क्या देख रखा है? एंड्रोसियम। क्या नाम है? एंड्रोसियम या स्टैमन। क्या नाम है? या तो आप स्टैमन बोल दो या एंड्रोसियम बोल दो। आई होप आपको समझ में आया होगा फिलामेंट, एंथर और स्टैमन और एंड्रोसियम क्या है। उसके अलावा ये देखो, एक ओवरी दिख रही है, ओवरी, और ये सारी ओवरी नहीं है, इसका नाम है फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का नाम होता है गाइनोसियम।
जैसे गायनोलॉजिस्ट होते हैं ना, वैसे गायनोसियम, गायनोसियम मतलब फीमेल पार्ट। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, कभी कभी हम गायनोसियम की जगह हम इसे पिस्टल भी बोल देते हैं, कई बार कार्पल भी बोल देते हैं। कार्पल और पिस्टल क्या है, तीनों चीज सेम चीज है, पहले याद रख लो। पास्ट कार्पल, पिस्टल और गायनोसियम क्या, तीनों चीज सेम है। थ्रू आउट द चैप्टर, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाते हुए तो यही बोलूंगा, कार्पल, पिस्टल और ये जो क्या नाम है गायनोसियम, ये तीनों चीज सेम है। लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए क्या फर्क है कार्पल और पिस्टल में। कार्पल याद रखो एक यूनिट की तरह की, एक सिंपल सी दिख रही है जिसके अंदर क्या है तीनों पार्ट है, तो उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है कार्पल है। और पिस्टल का कहेंगे मान लो इसकी जगह बहुत सारी ओवरी है, तो उन्हें इकट्ठा ज्यादातर ओवरी क्या होता है फ्यूज होके एक ही बना लेती है, तो क्या कहेंगे उसे पिस्टल कहेंगे। जहां भी चैप्टर में अधिकतर क्या लिखा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होगा हर प्लांट के टाइप का होंगे, तो हर प्लांट में जरूर नहीं है ना कि एक ही ओवरी दिखे, तो हम पिस्टल पिस्टल कहके रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल पार्ट को, जिसको कहते हैं हम गायनोसियम। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा पिस्टल और कार्पल क्या है। अब पिस्टल या कार्पल को आप देखोगे तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक तो ये गोल सा पार्ट और एक लंबा सा पार्ट और ये ये पार्ट। तो ये जो गोल सा पार्ट दिख रहा है इसे हम नाम देते हैं स्टिग्मा, और जो ये स्टिग्मा और ओवरी, इसे जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, देखो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये स्टिग्मा और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसे ओवरी, और इन दोनों को जो जोड़ रखा है लंबा सा, तो इसका नाम है स्टाइल। स्टाइल ओवरी, स्टाइल स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली हमने क्या कह दिया तीनों को, गायनोसियम पिस्टल का। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो क्या बोला मैंने, अलग अलग बोला जाए तो इसे स्टिग्मा, इसे स्टाइल और इसे ओवरी, और कलेक्टिवली बोला जाए तो कार्पल, पिस्टल और गायनोसियम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तीनों में से एक नाम, क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। आई होप अभी इतनी सी क्लास समझ में आई होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आएगी, और कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन है इनमें से एक पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो हर बार आपको दिक्कत आएगी, तो आपको जरूर इसे अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि भाई पूरा चैप्टर इसी के बेस पे, फ्लावर के बेस पे है। तो जब भी फ्लावर के बात होगी तो सीधा फ्लावर फ्लावर फूल लेके तो ना घूमेंगे, फ्लावर के पार्ट के बारे में बात होगी। अब वो बात अलग है, ओवरी के अंदर भी प्लेसेंटा ओव्यूल मिलेगा, ओव्यूल बाद में सीड में डेवलप हो जाएगा, ये अगली क्लास की बात है, मैं आपको आराम से सिखा दूंगा। लेकिन आज की क्लास में जो है उसे देख लो, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे ये पार्ट, और उस टाइम आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट में मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आपको पार्ट ही नहीं पता तो समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ की चल रही है। मैं कैलिक्स बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है जो ऊपर वाले पार्ट है कोरोला के बारे में समझ रहे हो, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब पेरियन टेपल बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा बात किसके बारे में चल रही है, तो वो चीजें अच्छे से क्लियर कर लेना, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं। नमस्कार।